कल टेबल हुआ अमेंडमेंट को लेकर, अब आज तो वो पास भी हो जाएगा, कीमतें बढ़ेंगी कुछ तो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका समझे गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर का यूज करेंगे तब ना, पावर को लेने में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल क्या है कि दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं, हरियाणा हो गया, पंजाब हुआ, यूपी हुआ, राजस्थान है, हिमाचल है, सभी के अंदर कुछ चीज़ों के टैक्स जो हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग क्या है कि उनके सेलिंग रेट अलग अलग है। तो सबके अभी मंत्रियों की मीटिंग हुई थी, सबने कहा था रेट को लगभग धीरे धीरे करके एक साथ नहीं किया जाएगा कि उनको क्या कोशिश की जाए कि रेट बराबर किया जा सके। तो उसके लिए पावर ली जा रही है, कोई रेट आज से नहीं बढ़ने वाले, एक साल में नहीं बढ़ने वाले, जब इसको एक पावर है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो यूज किया। ठीक है, लेकिन इस तरीके का विपक्ष लगातार जो है प्रोपेगेंडा कर रहा है, आपको लगता है प्रोपेगेंडा है या वाकई इसमें सच्चाई भी होगी कि वैट से कीमतें बढ़ जाएंगी? आप ऐसा कीजिए ना, मैं आज आपको कह रहा हूँ, कल जिस चीज का रेट बढ़ जाए मुझे बता देना।